ओके गाइस, इस वीडियो में करेंगे बेर की फल मक्खी, बेर फ्रूट फ्लाई। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है इसका डिप्टेरा, फैमिली है इसकी रैपिडिडी, और अगर जीनस स्पीशीज या साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैप्रोमिया वेसुवाइना, कैप्रोमिया वेसुवाइना वाइना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और होस्ट प्लांट की बात करें तो इसका जो होस्ट प्लांट है वो है बेर। और यदि डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो इंडिया है या भारतवर्ष है उसके लगभग सभी भागों में पाया जाता है, मेनली पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, में पाया जाता है। और यदि वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड यह मध्य पूर्व यूरोप, दक्षिण यूरोप, स्पेन, इटली, बलूचिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में भी पाया जाता है। नेचर ऑफ डैमेज इसका देखें कि इसकी जो डैमेज है या इसकी जो क्षति है वो किस प्रकार होती है, तो इस कीट के मैगट्स या प्रोट दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। अब इसके मैगट्स कौन से होते हैं, जो इसके लार्वा होते हैं, जैसे बटरफ्लाई या मॉथ में क्या कहते हैं हम, कैटरपिलर बोला जाता है ना, तो जो फ्लाई या जो मक्खी होती है उसके लार्वा को मैगट्स कहा जाता है। तो इसके जो लार्वा होते हैं या जो इसके मैगट्स और इसके जो फूड है दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। जब बेर पकने लगते हैं तब जो फीमेल इंसेक्ट होता है या फीमेल फ्लाई होती है वो फल के जो छिलके होते हैं उसके नीचे एग लेइंग करती है। हाँ, जो फल है फल के छिलके के नीचे एग लेइंग करती है, और फिर अंडों से निकले मैगट्स जो होते हैं वो फ्रूट के या जो बेर है उसके गूदे को खाते हैं। और ऐसे जो फल होते हैं वो मैंस के खाने के लिए नहीं रहते, और इसका अलग प्रकोप जो है वो फरवरी मार्च के महीने में अधिक होता है, उस समय स्वस्थ फल पाना मुश्किल हो जाता है यदि इस इंसेक्ट का प्रकोप हो। और एक फल में 6 से 9 मैगट्स तक पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस कीट का जो प्रकोप है वो मध्य नवंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक रहता है और जनवरी के अंत तक कम हो जाता है, फिर अगेन मार्च में ये इसका प्रकोप बढ़ जाता है, और फल का गुद्दा जो है इंसेक्ट मैगट्स द्वारा खा लिया जाता है, और फिर जिससे क्या हो जाता है कि उस फ्रूट में या उस बेर में बदबू आने लगती है। मीठे और अधिक गुद्दे वाली जातियों पर इसका प्रकोप अधिक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका लाइफ हिस्ट्री या जीवन इतिहास, इसमें कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो इसके जीवन में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास एग, सेकेंड इसकी मैगट, थर्ड इसकी प्यूपा एंड फोर्थ वन इज फ्रूट। तो इस प्रकार इसमें कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एग की बात करें तो कोशों से निकलने के 1 से 10 दिन बाद में जब प्यूपा से प्रोट बन जाते हैं, प्रोट निकलते हैं, वो 1 से 10 दिन के बाद कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, और फीमेल कई बार कॉपुलेशन करती है। तो जो फीमेल है वो फीमेल इंसेक्ट जो होती है वो फलों की जो है ऊपर वाली खोल या ऊपर वाली जो स्किन होती है उसके नीचे 4 से 5 के समूह में एग देती है, और ये एग क्या होता है, मटमैले रंग का होता है, कभी कभी श्वेत रंग का भी होता है, और एक सिरे पर नुकीला होता है। फीमेल जिस स्थान पर एग देती है वहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड या द्रव निकलता है जो सूखकर फल के ऊपर जम जाता है, जिससे अंडावस्था मतलब जो एग दी होते हैं वो उसमें सेफ रहते हैं। और ये जो अंडावस्था होती है ये एग स्टेज होती है वो 4 से 5 दिनों की होती है।
नेक्स्ट देखते हैं हम इसका लार्वा, या इसका लार्वा जिसको मैगट्स भी कहा जाता है। तो अंडे से निकलकर मैगट्स क्या करते हैं, जो बेर होते हैं, जो फल है उनके गूदे को खाना शुरू कर देते हैं, और जो पूर्ण विकसित मैगट होता है वो दूधिया सफेद रंग का होता है और उसका अगला सिरा नुकीला होता है। आपने देखा होगा कभी या नहीं, तो कई बार आपके आसपास कोई चीज सड़ी हो उसके ऊपर अपने व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लाइज के लार्वा देखे होंगे, जो मैगट्स होते हैं। नहीं तो गौर से देखना, आपको ये भी आसानी से आपके आपके रूटीन में दिखाई दे जाते हैं। तो जो विकसित लार्वा होता है या मैगट होता है वो 6 mm लंबा होता है और 1.5 mm चौड़ा होता है। 2 बार निर्मोचन किया करता है और मार्च के महीने में 9 से 12 दिन और नवंबर से दिसंबर में 22 दिनों में पूर्ण विकसित हो जाता है। अब टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ इसके जो डेवलपमेंट टाइमिंग है या इसकी जो विकसित होने का समय है वो भी अलग अलग रहता है। देखो कब होता है, जब ये 2 बार निर्मोचन होता है। पहले क्या होता है, ये मार्च का जब महीना होता है तो 9 से 12 दिन लगते हैं, मीन्स जब टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, जबकि दिसंबर नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर अधिक होता है तो 9 से 12 दिन लगते हैं, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है नवंबर दिसंबर या पीक विंटर सीजन होता है तो यह 22 दिनों में पूर्ण विकसित होता है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ इसके जो वृद्धि की अवस्था है उसमें भी चेंज हो जाता है, उसमें भी टाइमिंग अलग अलग रहता है। फर्स्ट स्टेज क्या है, एग, सेकेंड लार्वा, थर्ड प्यूपा, फोर्थ अडल्ट। टोटल लाइफ क्या होती है, 25 से 117 दिन में पूरी होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और 1 साल में 3 जनरेशन मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्यूपा की। तो प्यूपा क्या होता है कि जो मैगट्स हैं वो कोश में बदलने से पहले सिकुड़कर मोटा हो जाता है और फिर जब निर्मोचन क्रिया करता है तो फिर ये कोश बनाकर, कोकून बनाकर या कोया बनाकर कोश में बदल जाता है। मैगट क्या होता है, ज़्यादातर फल के बाहर जमीन के अंदर जाकर 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर प्यूपा अवस्था में बदलते हैं और कभी कभी सूखे फलों के अंदर भी ये प्यूपा अवस्था देखी जा सकती है। और ये जो स्टेज है प्यूपा अवस्था या जो कोशावस्था है ये मार्च अप्रैल में 11 से 31 दिन और विंटर सीजन में 45 to 87 days तक होती है। अब इसमें भी क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ प्यूपा अवस्था है उसके भी पूर्ण होने में या उसके भी टाइमिंग में अलग अलग वेरिएशंस देखी जा सकती हैं। और पूर्ण विकसित जो कोश होता है वो 4.5 mm लंबा और 1.5 mm चौड़ा होता है और अगर कलर की बात करें तो वो ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फ्लाई के या इस मक्खी के जो प्रोड है एडल्ट वो कैसे होते हैं। वो जो इस मक्खी का उदर है ऊपरी और निचले स्तर पर सफ़ेद रंग का होता है। पहले जो इसके जोड़ी पंख होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पीले रंग के होते हैं और जो फीमेल है वो मेल से आकार में बड़ी होती है और उसके उदर के अंत में लंबा नुकीला अंडरोपक होता है। अंडरोपक से क्या करती है, ये एग लेइंग के टाइम में फ्रूट की खोल के अंदर एंड्रोकिप की मदद से ये एग लेइंग करती है। और यह जो इंसेक्ट है यह बसंत और पतझड़ के मौसम में सक्रिय रहता है और गर्मियों और सर्दियों में कोशावस्था सुसुप्तावस्था में पाया जाता है, मीन्स प्यूपा अवस्था है जो अगर सर्दियों और गर्मियों में होती है तो सुसुप्तावस्था में ही रहते हैं। लाइफ साइकिल बता ही दिया कि 25 से 17 दिन में पूरा होता है। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें या नियंत्रण की बात करें तो किस प्रकार के प्रिकॉशन हमें रखनी चाहिए या किस प्रकार के हम दवाओं का यूज कर सकते हैं। जो कीट बाधित फल होते हैं उनको समय समय पर इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए और जो जंगली बेर है झाड़ियाँ आदि ना उगने दे और पौधों के बेर पकने के समय 0.05 माइलाथियन अथवा 0.15% कार्बरिल का छिड़काव करना चाहिए और साथ साथ इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं या जो इसके पैरासाइट्स होते हैं
उनका भी प्रयोग करके हम इन फ्लाइज की संख्या को कंट्रोल में रख सकते हैं।